सर, आगामी दिनों में कृषि विभाग किसानों को जागरूक करने के लिए किस तरह की मुहिम चलाने के लिए? सर आगामी 16 मई से पूरे जिले में किसान जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आत्मा स्कीम के तहत हर एक ब्लॉक में विलेज स्तर पे कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें किसानों को कॉटन के बारे में, देसी कॉटन यदि किसान बिजाई करता है तो उसको सरकारी हेल्प अनुदान 4,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, और जो गुलाबी सुंडी पिंक बॉलवॉर्म पिछली बार आई थी जिससे काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ था, उसके बारे में कृषि विभाग ने अभी से मुहिम शुरू कर दी है। तो हर एक जो भी कॉटन ग्रोइंग किसान होगा उसके खेत तक हमारे विभाग का कर्मचारी अधिकारी जाने की कोशिश करेगा, ताकि इस बार जो गुलाबी सुंडी है उस पे पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके। दूसरा, सर धान की सीधी बिजाई को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जो किसान भाई धान की सीधी बिजाई करना चाहता है उसमें भी सरकार द्वारा हेल्प दी जा रही है, लेकिन ये जिला उस स्कीम में शामिल नहीं है। तीसरा, कृषि विभाग ने जो कृषि यंत्र पोर्टल के माध्यम से अनुदान पर देने के लिए पोर्टल शुरू कर रखा है, उसकी 9 तारीख लास्ट डेट थी, अब बढ़ा के वो 20 तारीख कर दी गई है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रुचि लें। जिस तरीके से आपने बताया कि किसान जागरूकता अभियान जो चलाया जाना है, वो बूथ लेवल पे होगा, गांव लेवल पे होगा या फिर जिले लेवल पे? सर वो विलेज लेवल पे होगा। किस तरह की जागरूकता रखी जाएगी उसमें, कौन कौन अधिकारी कृषि विभाग से पहुंचेंगे वहाँ? उसमें कृषि विभाग की पूरी टीम होगी सर, जिसमें SDO है, BO है, हमारे आत्मा के जो BTM है, ATM है, मैं खुद भी 2 या 3 जो प्रोग्राम है डेली के प्रोग्राम अटेंड करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है हेडक्वार्टर से भी किसी न किसी को बुलाया जाए। किसान की खेत की मिट्टी और पानी को लेकर किस तरह के जागरूक किया जाएगा? किसान के खेत की मिट्टी और पानी के बारे में जैसे पिछले हफ्ते हमने अभियान शुरू किया था, वो पूरे जोरों पे चल रहा है। हमारे कृषि विभाग की पूरी टीम उस अभियान पे लगी हुई है, वो भी साथ साथ चलता रहेगा, ताकि जल्दी से जल्दी किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कर दिए जाएं, जिस पर अंकित मात्रा के अनुसार किसान खाद का प्रयोग कर सके। अधिक जानकारी अगर किसान को लेनी हो तो कहाँ किसान अप्रोच कर सकता है, कहाँ जा सकता है? वो तो कृषि विभाग ने अलग अलग पोर्टल भी बनाए हुए हैं, बाकी BO लेवल पे, SDO लेवल पे और हमारा जो मेन यहाँ पे DDA ऑफिस है, वहाँ कभी भी किसान आ सकता है। मेरा उपलब्ध नंबर है, जो मोबाइल नंबर है 9416071950, इस पे कोई भी किसान किसी भी समय संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे किसानों के लिए? मैं किसान भाइयों से यह अनुरोध करूंगा कि कृषि विभाग जो भी प्रोग्राम चलाता है या जो प्रोग्राम शुरू करेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी और रुचि दिखाएं, ताकि जो भी किसानों को किसी तरह की दिक्कत या समस्या आए उस पर समाधान हो सके। धन्यवाद सर। सर, आगामी दिनों में कृषि विभाग किसानों को जागरूक करने के लिए किस तरह की मुहिम चलाने के लिए? सर आगामी 16 मई से पूरे जिले में किसान जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आत्मा स्कीम के तहत हर एक ब्लॉक में विलेज स्तर पे कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें किसानों को कॉटन के बारे में, देसी कॉटन यदि किसान बिजाई करता है तो उसको सरकारी हेल्प अनुदान 4,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, और जो गुलाबी सुंडी पिंक बॉलवॉर्म
पिछली बार आई थी जिससे काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ था, उसके बारे में कृषि विभाग ने अभी से मुहिम शुरू कर दी है। तो हरेक जो भी कॉटन ग्रोइंग किसान होगा उसके खेत तक हमारे विभाग का कर्मचारी अधिकारी जाने की कोशिश करेगा ताकि इस बार जो गुलाबी सुंडी है उस पे पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके। सर दूसरा, धान की सीधी बिजाई को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जो किसान भाई धान की सीधी बिजाई करना चाहता है उसमें भी सरकार द्वारा हेल्प दी जा रही है, लेकिन ये जिला उस स्कीम में शामिल नहीं है। तीसरा, कृषि विभाग ने जो कृषि यंत्र पोर्टल के माध्यम से अनुदान पर देने के लिए पोर्टल शुरू कर रखा है उसकी 9 तारीख लास्ट डेट थी, अब बढ़ा के वो 20 तारीख कर दी गई है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रुचि लें। जिस तरीके से आपने बताया कि किसान जागरूकता अभियान जो चलाया जाना है वो बूथ लेवल पे होगा, गांव लेवल पे होगा या फिर ज़िले लेवल पे? सर वो विलेज लेवल पे होगा। किस तरह की जागरूकता रखी जाएगी उसमें, कौन कौन अधिकारी कृषि विभाग से पहुंचेंगे वहाँ? उसमें कृषि विभाग की पूरी टीम होगी सर, जिसमें SDO है, BO है, हमारे आत्मा के जो BTM है, ATM है, मैं खुद भी 2 या 3 जो प्रोग्राम है डेली के प्रोग्राम अटेंड करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है हेडक्वार्टर से भी किसी न किसी को बुलाया जाए। किसान की खेत की मिट्टी और पानी को लेकर किस तरह का जागरूक किया जाएगा? किसान के खेत की मिट्टी और पानी के बारे में जैसे पिछले हफ्ते हमने अभियान शुरू किया था वो पूरे जोरों पे चल रहा है। हमारे कृषि विभाग की पूरी टीम उस अभियान पे लगी हुई है, वो भी साथ साथ चलता रहेगा ताकि जल्दी से जल्दी किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कर दिए जाएँ जिस पर अंकित मात्रा के अनुसार किसान खाद का प्रयोग कर सके। अधिक जानकारी अगर किसान को लेनी हो तो कहाँ किसान अप्रोच कर सकता है, कहाँ जा सकता है? वो तो कृषि विभाग ने अलग अलग पोर्टल भी बनाए हुए हैं, बाकी BO लेवल पे, SDO लेवल पे और हमारा जो मेन यहाँ पे DDO ऑफिस है वहाँ कभी भी किसान आ सकता है। मेरा उपलब्ध नंबर है, जो मोबाइल नंबर है 9416071950, इस पे कोई भी किसान किसी भी समय संपर्क कर सकता है। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे किसानों के लिए? मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि कृषि विभाग जो भी प्रोग्राम चलाता है या जो प्रोग्राम शुरू करेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी और रुचि दिखाएं ताकि जो भी किसानों को किसी तरह की दिक्कत या समस्या आए उस पर समाधान हो सके। धन्यवाद सर।